हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड कार्ड जी में। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हमेशा की तरह हम बात करेंगे नए ड्रामे, नए एपिसोड और आने वाले कुछ ड्रामे की अपडेट्स के बारे में। तो करना क्या है, आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं और कमेंट करके पूछने लगते हो कि कब आएगा कब आएगा। तो यदि आप वीडियो सही से और पूरा देखोगे तो आपको हर एक चीज आपको वीडियो में ही पता चल जाएगी और आपको कमेंट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखनी, पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना है और चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भी आप ड्रामे देख रहे थे उसके नए एपिसोड के बारे में। तो जो पहला ड्रामा है जिसका नाम है लव विथ स्वीट, यदि आप इस ड्रामे को देख रहे थे इसका नया एपिसोड आ चुका है, जाकर के एमएक्स प्लेयर से अब चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, इस ड्रामे के टोटल 36 के 36 एपिसोड अब डल चुके हैं, यानी कि यह ड्रामा अब खत्म हो चुका है, इसका नया एपिसोड अब देखने को नहीं मिलेगी। और जो दूसरा ड्रामा है जिसका नाम है चेजिंग बॉल, यदि आप इस ड्रामे को भी देख रहे थे तो इसका भी नया एपिसोड ऐड कर दिया गया है। सो यदि आप इस ड्रामे को भी देख रहे तो इसका भी नया एपिसोड आ चुका है, अब इसके नए एपिसोड को भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो ड्रामा जिसका नया एपिसोड आज आपको देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है लाई टू लव, तो यदि आप इस ड्रामे को देख रहे हैं तो इसका भी नया एपिसोड आपको टैप मेड ऐप पे देखने को मिल जाएगी। अगला ड्रामा जिसके नया एपिसोड के लिए लोग बेसब्री से वेट कर, जिसका नाम है मिरर द टेल ऑफ ट्विन सिटी, तो इसकी नया एपिसोड इस वीक में रिलीज नहीं करेगी। क्यों नहीं रिलीज करेगी, इसका मतलब मेन रीजन नहीं पता। पिछले वीक भी इसके नया एपिसोड को ऐड नहीं करेगा ना, तो इस वीक अभी तक ऐड करा गया, हो सकता है शाम या फिर रात तक ऐड करी जाए उसका बात अलग है, लेकिन अभी तक इसके नया एपिसोड को ऐड नहीं करेगी और इसका रीजन किसी को नहीं पता। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए मतलब यही है कि आपको सिर्फ वेट करना है, ये कब आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही आएगी मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। हमारा अगला अपडेट है अपकमिंग ड्रामे से रिलेटेड, जिसमें पहले नंबर पे जो ड्रामा है जिसका नाम है ब्लैक नाइट, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका जो पहला टीजर पोस्टर उसको रिलीज कर दिया गया है और इसके स्टोरी से रिलेटेड, यानी कि इसके स्टोरी प्लॉट से रिलेटेड मैंने इसके अपकमिंग वाली वीडियो लिस्ट में ही बता दिया था कि इसकी स्टोरी किस तरह की होने वाली है। और इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 6 एपिसोड देखने मिलेंगे, रनिंग टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस ड्रामे के जो एपिसोड है लगभग 1 घंटे प्लस में रख के प्रेजेंट करी जाएगी। और ये जो ड्रामा है एक्शन एडवेंचर साईफाई पे बेस्ड होने वाली है, जो कि इस साल के मिड तक देखने को मिल जाएगा। अब इसके हिंदी डबिंग से रिलेटेड फुल्ली कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन रूमर्स है कि आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी और मोस्टली चांसेस है कि ये देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि ये जो ड्रामा है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज होने वाली है, जिसके वजह से मतलब ये ड्रामा आपको हिंदी डब लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे इससे मतलब फुल्ली कंफर्मेशन मेरे पास आ जाएगी हिंदी डब से रिलेटेड, मैं आपको डेफिनेटली किसी न किसी वीडियो में बता दूंगा। अब जो हमारा अगला अपडेट है वो सेलिब्रिटी के ड्रामे से रिलेटेड है। फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि ये ड्रामा आपको हिंदी डब लैंग्वेज में अप्रैल के महीने में देखने को मिलने वाली है। इसकी डेट वगैरह भी अनाउंस नहीं करी गई, क्योंकि इसका टीजर वगैरह पोस्टर वगैरह कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इसकी पोस्टर वगैरह रिलीज होगी तो मे भी हो सकता है इसका डेट भी उसी के साथ अनाउंस कर दी जाए, लेकिन अप्रैल का महीना ये कंफर्म है कि ये अप्रैल में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो ड्रामा है थ्रिलर मिस्ट्री पे बेस्ड होने वाले, जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे के राउंड में रख के प्रेजेंट करी जाएगी। अब जो हमारा अगला अपडेट है वो है जंपिंग गर्ल के ड्रामे से रिलेटेड, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द प्लेफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलने वाली। तो फाइनली इसकी कंफर्मेशन मेरे पास आ चुकी है कि ये ड्रामा जो है आपको मार्च के महीने में ही हिंदी डब लैंग्वेज में देखने को मिलने वाला है। इसकी जो हिंदी डबिंग का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज ये जो है एक शॉर्ट ड्रामा है जिसके अंदर आपको टोटल 15 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 10 मिनट के राउंड में रख के प्रेजेंट करी जाएगी, जिसके वजह से ये जो ड्रामा है आपको इसी महीने में हिंदी डब लैंग्वेज में प्लेफ्लिक्स पे देखने को मिलने वाली है। अगर आपको लव पे बेस्ड ड्रामे देखना पसंद है तो कल यानी कि 4 तारीख को आपको नेटफ्लिक्स पे एक नया कोरियन ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है डाइवोर्स अटर्नी सीन। और इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे के अराउंड में रखकर प्रेजेंट करी जाएगी और इसकी जो एपिसोड है आपको वीकली बेसिस पे देखने को मिलेगी। और ये जो ड्रामा है हिंदी डब लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ कल से देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। अगर आपको 18+ ड्रामे सीरीज वगैरह देखना पसंद है तो बहुत ही जल्द आपको नेटफ्लिक्स पे एक शो देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको रियल पोर्न स्टार की स्टोरी देखने को मिलेगी और इसका नाम है मनी शॉट द पोर्न स्टोरी। बेसिकली इस शो के अंदर आपको जो पोर्न स्टार है उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी स्टोरी है वो देखने को मिलेगी, कि किस तरह से वो लोग मतलब इन कामों में आए और क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी पड़ी, किस तरह से और कितने सारे स्कैंडल में फंसे, यही सारी चीज आपको इस शो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप किसी पोर्न स्टार के लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो इस शो को आप देख सकते हो, जो कि आपको 15 तारीख से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश डब लैंग्वेज में भी देखने को मिलने वाली है।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी ड्रामे से रिलेटेड अपडेट चाहिए या फिर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हो, या आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मैं आपको छोटी बड़ी जो भी अपडेट सबसे पहले मिलती है मुझे, मैं वहीं पे आपको दे देता हूँ। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं सबसे पहले अपडेट आपको वहाँ पे दे देता हूँ। तो इनके सभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले, और जो लोगों ने ज्वाइन करके रखा है तो उनको पता होगा कि छोटी मोटी जो भी अपडेट्स होती है मैं सबसे पहले वहाँ पे दे देता हूँ। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड अपडेट या फिर वीडियो देखने को